सीट कवर की क्वालिटी अगर आप पास से देखना चाहते हो ना तो भाई अब आप चेकआउट कर सकते हो, देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हटाने पे आपका शीशा नजर आता है, बट इसको हम लगाते हैं ना तो कॉर्नर पे बैठ जाता है बिल्कुल, और ये आपका क्रोम में और पियानो में दोनों में अवेलेबल होता है भाई। बिल्कुल दे रहे हैं स्टेयरिंग को OEM वाला टच विद आपका जो मून डिजाइन में आता है ना, ये सॉफ्ट टच है और ये आपका प्लास्टिक है, तो इसके अंदर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। अब आपको ये पियानो वाला ऑप्शन मिल जाता है, प्लस यहाँ पर ही सॉफ्ट टच मिलता है आपको। ये भैया ने यहाँ पे मोरल की डैम्पिंग करी है, जिसमें आपको बैचिंग मिल जाती है मोरल की। एक्सर जेनुइन फुटरेस्ट देख लो भाई, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं भाई, देखो ये कुछ इसकी पियानो की टच, जो कि आपका इस वाले पार्ट का है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ कार बीच पे करोल बाग में, और आज आपके सामने फिर से एक और न्यू ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल। मेरे साथ है मंजे भाई, कैसे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया, हमेशा की तरह बढ़िया। चलो भाई, तो आज अपने पास है सिग्मा मॉडल फिर से। ये आती है बिल्कुल बेस मॉडल में काउंट होती है, लेकिन बेस मॉडल एक्चुअल में होती नहीं है, बट इसमें ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि बेस मॉडल होते हुए भी करनी पड़ती है ना। अब इसके अंदर भाई मोटा मोटी हर वीडियो में मैं बताता हूँ हमेशा, सिग्मा नहीं है, अल्फा, ये अल्फा ही है। सही, कार वैसी अल्फा, कार विश्व जैसी आते ही के साथ ही अल्फा है, मतलब आपने गाड़ी खड़ी करी और अल्फा हो गई। जहाँ देखो साइड में अलॉय व्हील इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि जब इंस्टॉल होते हैं तो पूरी अल्फा वाली फील देते हैं। हाँ, अलॉय व्हील इंस्टॉल हो चुके हैं पूरा। एक जो अगर गाड़ी बाहर से अगर कुछ दिखता है कि यार ये बेस है, तो एक अलॉय व्हील दिखता है। अगर अलॉय इंस्टॉल हो गया तो वो बाहर से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ग्लॉसी आइटम आते हैं, तो हम क्या क्या लगा रहे हैं इसके अंदर ग्लॉसी में भैया? मोस्टली इसके अंदर हींग से लेके फटकड़ी तक है, मतलब 36 से प्लस आइटम है। जो फोन पे डायलॉग मारा था तुमने मुझे, वही डायलॉग तुमने यहाँ दोबारा सेव दिया है। कुछ नया बनाया करो भाई। तो आज इसके अंदर अगर कुछ नई चीज दिखाने वाले हैं तो वो एक मॉरल की डैम्पिंग है। अच्छा, मॉरल की डैम्पिंग के लिए आपने इसके अंदर डैम्पिंग है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जब किसी क्वालिटी को क्वालिटी वर्क चाहिए, अगर 800 से ऊपर की अगर आपको डैम्पिंग की आप अफोर्ड कर रहे हो तो आप मॉरल में होता है, ब्लॉक पॉइंट होता है, डीडी होता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फ्रंट साइड के अंदर अभी इसका जो बेजल वगैरह आता है वो लगाएंगे, और यहाँ पर भी एक आता है वो लगेगा भैया, फ्रंट सीट आ जाएगा वो भी लगेगा। और कुछ यहाँ पे? यहाँ और कुछ नहीं, फ्रंट कैमरा हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जो कि हमने इसके अंदर 360 हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना। और ये एम्पलीफायर के लिए 4 गेज की वायरिंग लेनी है। एम्पलीफायर में क्या क्या लगा रहे हो भैया? एम्पलीफायर के अंदर 4 कंपोनेंट स्पीकर डिफेंस की, और उसके बाद इसमें कोई जोर था ही नहीं, दोबारा बोलो, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोलूँगा, उसके बाद इसकी जरूरत है ही नहीं, और कुछ की जरूरत नहीं जो बोला। 4 कंपोनेंट स्पीकर है भाई, उसके बाद किसी चीज की जोर है ही नहीं। ठीक है, अगर 4 चैनल एम्पलीफायर पे मतलब वूफर वगैरह नहीं डाल रहे हम इसके अंदर? नहीं, एक प्रीमियम साउंड दे रहे हैं गाड़ी को, प्रीमियम साउंड दे रहे हैं। अगर 4 गेज वायरिंग के साथ 4 चैनल एम्पलीफायर डाल रहा हूं, 4 रेफरेंस को कंपोनेंट रेफरेंस कंपोनेंट डालने के बाद में 4 कंपोनेंट है ना, कोएक्सल वाला सीन ही नहीं है, कोएक्सल का कोई सीन नहीं है, उसके बाद इसमें कोई बेस टू बी ऊपर की जोड़ नहीं पड़ने वाली। चलो और एक बार और दिखाता हूँ भाई, साइड मिरर जो कि बलिनो जैसे आते हैं भाई इसके अंदर भी, और यहाँ पर देखो आपका कैमरा इंस्टॉल हो चुका है। जब हम 360 कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्टीरियो कौन सा लगा रहे हो आप? हमेशा एक तरह हाइपरसोनिक भाई, जो हाइपरसोनिक की क्वालिटी है। अच्छा, और जो 360 डिग्री के अंदर उसके बर्ड व्यू है, बाकी चीजों की सपोर्ट्रेस है, वो आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलता, ओनली फॉर हाइपरसोनिक। बाकी बात करते हैं भाई सीट कवर वगैरह की, तो क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर सीट कवर से फ्लोर मैट्स है, साइड इंटीरियर की बात करें तो सारी चीजें लोवर गार्निश, साइड बैंडिंग देख चुका, डोर वाइज बेसिकली बेस टू टॉप में जितने भी इसकी एक्सेसरीज आती है वो मोस्टली सारी एक्सेसरी लग रही है इसके अंदर ना, और अंदर काम चल रहा है फुल ठंडा पीते हुए। हमारे बंजे भाई भी ठंडा पी रहे हैं और हम भी ठंडा पीते हुए ही वीडियो शूट कर रहे हैं, और यहाँ देखो छोटे छोटे भाई हमारे सारे ठंडा पीते हुए काम कर रहे हैं। भाई गर्मी ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर देखो गाड़ी में एसी वेसी तो चला ही सकते नहीं क्योंकि गेट खुले हुए हैं। यहाँ देखो भाई, ये भैया ने यहाँ पे मोरल की डैम्पिंग करी है, जिसमें यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है मोरल की। अगर मोरल की बात करते हैं, मोरल 2.5 mm के अंदर आता है। अच्छा, और काफी अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, और बाकी डैम्पिंगों से ना बिल्कुल हटके होता है यार ये। उसके बाद बात करते हैं, ये कुछ कंपोनेंट भैया ने रेफरेंस सीरीज लगा रहे हैं इन्फिनिटी का, जिसमें भैया ने वापस से जो अपना वाटर गार्ड आता है वो लगा, वाटर रिंग विद रिंग, रिंग भी अलग लगती है, फिर वाटर गार्ड अलग लगता है, देन उसके बाद ये कपलर टू कपलर सिस्टम होता है, और यहाँ पर हाइपरसोनिक इंस्टॉल हो चुका है, एंड साइड फुटरेस भी लगाया है। हाँ, ये जेनुइन होता भैया? जेनुइन, बिल्कुल जेनुइन, नेक्सा जेनुइन है, नेक्सा जेनुइन। अच्छा, नेक्सा जेनुइन फुटरेस देख लो भाई, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा रहता है। देख लो ये मतलब कहीं जाने आने वाली चीज, बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं, ये तो कंपनी के प्लगिंग प्लग सिस्टम है। ठीक है, और इसमें और इसके जितने भी लेदर पार्ट्स होते हैं वो सारी वगैरह सारी चीज ना, फाइनली गाड़ी अभी। चलो भाई, तो एक बार गाड़ी को ना भाई कंप्लीट होने देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर काफी टाइम लगने वाला है अभी, क्योंकि सारी चीजों की ना अभी चल ही रही है। आर्मरेस्ट वगैरह का क्या सीन रहता है भैया? ये हम क्या कर रहे हैं, आर्मरेस्ट लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें? आर्मरेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉलेशन आती है कंपनी की, तो उसमें आर्मरेस्ट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, ओनली फॉर सीट कवर्स एंड फ्लोर मैट्स। नहीं भाई, जो कर रहे हैं आर्मरेस्ट के सॉकेट में क्या कर रहे हैं? ये आर्मरेस्ट के सॉकेट के अंदर ये भाई
यूएसबी पोर्ट लगा रहे हैं, बैक यूएसबी पोर्ट। अच्छा, तो बिल्कुल प्लगिंग प्लग रहता है। ये देखो भाई, तो ये कुछ है प्लग इन प्ले हो, और यहाँ पर आपको जैसे कंपनी आपको देती है सेम वो हो गया है ना, सेम वर्क हो गया। तो इसमें कुछ कटिंग वटिंग करनी पड़ती है हमें? कोई कटिंग की जरूरत नहीं, ये वायरिंग हमारी कैनवस के साथ आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ भी सारा कुछ कपलर टू कपलर है ना, कैसे भी कर लो सारा कुछ कपलर टू कपलर ही रहने वाला। तो ये कुछ गाड़ी अपनी रेडी हो रही है अभी, गाड़ी के जितने भी रिम उतरे हैं भाई वो सारे के सारे डब्बे में पैक हो गए। इतनी बड़ी डिग्गी है गाड़ी के, चारों रिम आ गए इसके अंदर। बूट स्पेस काफी अच्छी है। अगर आपको चाइल्ड सीट मिलती है तो दो चाइल्ड सीट इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए 10 इयर्स के अंदर के बच्चों आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। बढ़िया। बाकी भाई देख लो, चारों अलॉय यहाँ पे, चारों रिम आ चुके हैं, अलॉय गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं इसके डोर पैनल्स, जो कि टॉप एंड मॉडल वाले आते हैं, तो भैया के पास वो भी अवेलेबल है। एक बार इसको हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। खोल दो भाई इसे पूरा एक बार। इसमें भैया क्या अलग होता है, मतलब पहले से उसमें क्या फर्क होता है दोनों में? बिल्कुल हफीम चीज है। अच्छा, अगर किसी भाई के पास बजट अच्छी खासी है, हाँ जी हाँ जी, अगर वो चाहते हैं पूरा अल्फा वाला ही चीज हो प्रॉपरली, हाँ जी, तो उनके पास ये ऑप्शन मिल जाता है डोर्स का। ये देखो भाई, ये पैनल हो गया आपका, तो खोलो एक बार। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ये अपना बेस मॉडल वाला है ना भाई? बेस ही तो हो गया बिल्कुल, ये बेस मॉडल वाला है जो कंपनी हमें सिग्मा में ला के दे रही है ना, और ये हम निकाल रहे हैं जो टॉप एंड में लग के आ रहा है। निकाल के दिखाओ भाई दोनों में फर्क एक्चुअल में होता क्या है। आप चाहो तो इसको बाहर से कैसे कस्टमाइज करा सकते हो मंजे भाई के पास, या फिर आप पूरा डोर पैनल चेंज कराना चाहते हो तो कितना कॉस्ट आपको पड़ेगा वो भी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। कॉस्ट वाइज की बताएंगे ना, इसकी कॉस्ट बिल्कुल साइलेंटली रखेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा? हाँ, तो बदल जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा इसकी। तो ये कुछ फर्क है भाई दोनों के अंदर। यहाँ पर आपको प्लास्टिक वर्क मिलेगा जो कि इसे पेंट हो रखा है, ये पेंट हो रखा है, और यहाँ पर आपको लेदर वर्क मिलेगा ना। ये देखो ये लेदर वर्क हो गया और सॉफ्ट टच आ गया यहाँ पे आपका। ये देखो सॉफ्ट टच देख लो, ठीक है, ये सॉफ्ट टच है और ये आपका प्लास्टिक है, तो इसके अंदर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, ये देखो साथ में आपको ये पियानो वाला ऑप्शन मिल जाता है, प्लस यहाँ पर ही सॉफ्ट टच मिलता है आपको, जो कि इस गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच ये वाला मिलता है। दोनों में फर्क है भाई। इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये कुछ कपलर टू कपलर हमारी रिले वायरिंग आती है, जो कि आपके ऑटो फोल्ड जो मिरर आते हैं ना उसको ऑटो फोल्ड करने के लिए और शीशे अप डाउन करने के लिए। भाई दोनों लगा रहे हैं उसके अंदर, शीशे अप डाउन भी होंगे ना, और आपके साइड मिरर जो वो भी फोल्ड अनफोल्ड होंगे। और यहाँ पर काम चल रहा है अपना स्टेयरिंग में, तो भाई बिल्कुल दे रहे हैं स्टेयरिंग को OEM वाला टच विद आपका जो मून डिजाइन में आता है ना सेम वाला, तो कुछ ऐसा टच दे रहे हैं। पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सीट कवर है बाहर से सिलता है, कंपनी भी इतना अच्छा सीट कवर नहीं सिल के देती है जितना आपको यहाँ पर भैया सिल देते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट लगता है लेकिन चीज़ अच्छी हो जाती है आपकी। भाई ये कुछ किट है आपकी इस वाली टेल लाइट की, जो कि ऐसे करके कुछ इंस्टॉल हो जाती है, तो क्रोम किट बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ पियानो किट क्रोम किट इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है। भैया ये फ्रंट वाली है ना, ये फ्रंट आगे बम्पर पे, ये फ्रंट आगे जो मैं बता रहा था अभी आपको लगेगी, तो ये कुछ स्कर्ट प्लेट इसकी लगती है आगे की साइड में। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं अभी इस गाड़ी के अंदर। लगने के बाद जो आपकी टेल लाइट वाली है ना, कुछ ऐसा आपको फील देगी। भैया एक बार हटाना इसको, तो हटाने पे आपका शीशा नजर आता है, बट इसको हम लगाते हैं ना तो कॉर्नर पे बैठ जाता है बिल्कुल, और ये आपका क्रोम में और पियानो में दोनों में अवेलेबल होता है। ये तो आपकी फ्रंट वाली स्किट प्लेट थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर लगी है, ये देखो ये है अपनी रियर वाली, तो बम्पर पे कुछ रियर में काफी बड़ी लगती है और काफी अच्छा लुक भी आता है इसका। गाइस यहाँ पर हम गाड़ी को लेके आ चुके हैं कैलिब्रेशन के लिए 360। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं भाई, गाड़ी को एक ऐसी जगह पे खड़े करते हैं जहाँ पे फुल कोयल वोयल कूकती है बढ़िया। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, अब इसके सारे कैमरे जितने भी कैलिब्रेट किए जाएंगे, और ये कैलिब्रेशन का अपना कुछ सिस्टम भैया का है जो कि इसको लेके आते हैं और तरीके से मतलब करते हैं। इसमें अप्रॉक्स आपका 15-20 मिनट के आसपास लग जाते हैं, तो ये कुछ आपका ऐसा रहता है, चारों कैमरे परफेक्टली कैलिब्रेट होते हैं ये मैट वगैरह लगने से। तो ये 360 के लिए स्पेशल, अगर ये नहीं है कोई अंदाजे से कर रहा है तो बेकार है, इसको इसके साथ ही मतलब बढ़िया तरीके से होता है। सो फाइनली कैलिब्रेशन तो हो चुकी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अभी बात करते हैं हम इसके अंदर जितने भी हमने एसेसरीज लगाई है ना, सिर्फ डोर पैनल छोड़ के बाकी इस गाड़ी में सब कुछ लग चुका है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा डोर पैनल वाला सीन। अभी आप इसमें फ्रंट साइड में चेकआउट करो भाई, तो हमने क्या क्या लगा भाई यहाँ पे फ्रंट साइड के अंदर? एक वाला बम्पर स्किड प्लेट रहने वाली, ठीक है, बम्पर स्किड प्लेट लग गई है आपका, ग्लॉसी वाला फ्रेम हो गया हेडलाइट का। उसके बाद बात करते हैं साइड प्रोफाइल में, तो अपना अलॉय हो गया ठीक है, साइड फुटरेस्ट अपना प्रॉपर लग गया, नेक्सा जेन्युइन साइड बिडिंग होगी अपनी, और अपना आई पॉप का लोअर गार्निश हो गया, ठीक है, लोअर गार्निश ये जेन्युइन है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन MGP के अंदर रहने वाली है भैया, 4 पीसेस में आता है, आफ्टर मार्केट 2 पीस हम लेते हैं। ओके, तो ये आफ्टर मार्केट 2 पीस वाला अलग से है, ठीक है, लेकिन जो कंपनी देती है वो सिर्फ यहीं तक का देती है, 4 पीस में देती है, ठीक है। अगर आपको आफ्टर मार्केट 6 पीस में चाहिए तो 6 पीस में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये वाला जो अपना है डोर वाइजर, ये भी जेन्युइन है, जो 30% डिस्काउंट के साथ है, तो वो अभी
जो 30% का नेक्सा डिस्काउंट सब कुछ वो चालू पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट आपको पूरा भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आफ्टर मार्केट में भी आता है थोड़ा सस्ता, अगर आप चाहते हो तो इसे लगवा सकते हो, जो बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में भी 1200-1300 रुपए की रेंज में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गेट में, तो यहाँ पे मोरल की डैम्पिंग विद इन्फिनिटी का कंपोनेंट आगे पीछे दोनों साइड में लगे थे, वाटर गार्ड वाला जो अपना ये क्या बोलते हैं, वाटर गार्ड बोलते हैं ना, वाटर गार्ड और पीछे इसके अंदर रिंग लगी थी, ये कुछ लगा था अपने गेट का जो सेटअप था वो कुछ ऐसा। आवाज बहुत अच्छी आ रही है। बात करते हैं गाड़ी के अंदर की, तो यहाँ पर सीट कवर चेकआउट कर सकते हो भाई, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल कंपनी देती है ना भाई, ने हुबहू ऐसे बना रखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे कपड़े में बना रखा है और उससे अच्छी क्वालिटी है भाई। ये कौन सी क्वालिटी है और क्या चीज है भाई? ये सिर्फ स्पेशली मेरे पास बिटारा के लिए ये क्वालिटी अवेलेबल है, यूएस लेदर सोफा लैमिनेशन के अंदर है और सबसे टॉप एंड क्वालिटी है, लाइफ टाइम गारंटी के साथ रहता है। ठीक है, तो भाई इसमें नेकलेस आपने फ्री दिए हैं वाले? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी चीजें हमेशा की तरह 5-7 चीजें मेरी कॉम्प्लीमेंट होती है, उनमें से एक ये भी है। तो भाई ये देख लो सीट कवर की क्वालिटी, अगर आप पास से देखना चाहते हो ना तो भाई अब आप चेकआउट कर सकते हो, देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। आपको सिर्फ आके बोलना है कि नेक्सा जनन जो आप लगाते हो वो चाहिए, कोई कलर अगर आपको चेंज कराना तो कलर आप चेंज करा सकते हो, इवन इसका भी कलर चेंज करा सकते हो। तो ये अपना जेनुइन वाला पार्ट है, जेनुइन है भाई वाला, तो जेनुइन जो नेक्सा सॉफ्ट टच लेदर नेक्सा आता है वही 6 पार्ट के साथ जो 3500 के अंदर जो ऑफर्स है, ठीक है, वो उसी में एक पार्ट ये भी है, तो ये वाला पार्ट और एक अपना उधर वाला पार्ट, दो पार्ट ये लगते हैं साथ में अपने, एसी वेंट एक ये वाला, एक सेंटर वाला और एक उस साइड वाला, तीनों पियानो में ये रहते हैं और एक आपका गियर वाला जो ऑप्शन होता है ना ये वाला। थोड़ा सा हमारे करोल बाग में अभी थोड़ी सी डस्ट का इशू चल रहा है बिकॉज ऑफ कुछ वायर वगैरह डली थी, तो इस चक्कर में गाड़ी में भी थोड़ी डस्ट वगैरह आ जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्लीन कर देते हैं उसको। बाकी यहाँ पे वेलकम लाइट नेक्सा जेन्युइन लगी हुई है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको जलती हुई भी नजर आ रही होगी, देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है वो जलती हुई। यहाँ पे थोड़ी लाइट ज्यादा तो नजर इतनी ज्यादा नहीं आएगी आप लोगों को, बट वहाँ देखो गेट बंद है तो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है नेक्सा लिखा हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके बैक साइड वाली सीट की, तो यहाँ पर आपको ये देखो भाई ये कुछ सीट है आपकी बैक साइड की, ये देखो क्वालिटी आपको सेम मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आमदेश की बात करूँ तो ये देखो, और यहाँ पर आपको ऑटो सीट की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है, अगर आपका सीट कवर जो है ऑटो सीट का है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सालों साल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपके सीट कवर्स में। इसके बाद बात करते हैं मैट्स की, तो इसके अंदर मैट भी है इंस्टॉल करें, कौन सा वाले भाई? भाई इसके अंदर कोक्रोडाइल का फ्लोरिंग रहने वाला है, साथ में इसके जीएफएक्स वाले मैट है, वाले लॉन्ग लाइफ मैट डाला। ठीक है, तो क्रोकोडाइल वाली जो है वो प्रॉपर भाई ने जो आती है ना इसकी, देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है, जो की अपनी क्या बोलते हैं फिटमेंट को, क्या बोलते हैं इसको, कट टू कट 0-0 है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है बिछाने वाला सीन नहीं है, सीधा जो है जो चीज आपकी उठी हुई है वो ऐसा जो आपकी फ्लोरिंग है उसके अंदर भी ऐसा उठा हुआ ही सिस्टम आएगा पूरा, जैसे ऐसे देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ आपका जीएफएक्स मैट है जो कि गाड़ी के अंदर कितने ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब सिर्फ इसके अंदर जो कमी रह गई है वो रह गई है आपके डोर पैनल्स की, बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की, तो ये कुछ गाड़ी के बैक साइड है जिसके अंदर क्रोम आइटम्स आपके टेल लाइट के लग गए हैं, ये वाला एक लग गया इसके डिग्गी क्रोम बोल सकते हैं, इसको डिग्गी एलईडी लाइट क्रोम बोलते हैं वैसे। ठीक है, डिग्गी वाला क्रोम यहाँ का होता है, तो दो क्रोम आते हैं आपके डिग्गी के अंदर, एक यहाँ पे आता है एक ये वाला, तीन कहाँ पे होता है भैया? एक ट्रैंक क्रोम में लग जाता है। अच्छा, नीचे ट्रैंक क्रोम, वो तो इसलिए होता है कि कुछ सामान वगैरह निकालने और रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद भाई ये वाली स्किड प्लेट मैंने आपको दिखाई थी जब हम इसको इंस्टॉल किया था। ठीक है, गाड़ी कुछ अपनी है ना कुछ बाहर से कुछ ऐसी आपको दिख रही है जो कि फुल्ली तैयार हो चुकी है बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं डोर पैनल लगने के बाद, ये कुछ 360 हमने गाड़ी का ऑन कर दिया और अभी आप फ्रंट साइड देख रहे हो भाई, इसको 360 पे क्लिक करना एक बार, ऑन करो इसे और एक बार वो गाड़ी कैसे घूमती है अपनी, ये देखो सारी की सारा जो व्यू आ रहा है ना आपको, जहाँ मर्जी आप गाड़ी चला लो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आप गेम खेल रहे हो और गेम उस गेम से निकाल रहे हो, जहाँ से आप गाड़ी निकालोगे ना बहुत अच्छी लगेगी। और भाई वाला व्यू दिखाना सारे फ्रंट के राइट के लेफ्ट के व्यू दिखाना, ये देखो ये कुछ आपके फ्रंट के व्यू हैं जो कि आपको तीन एंगल में मिल जाते हैं, ये देखो किसी भी एंगल से देख लो आप। ठीक है, और राइट ये सारे दिखाना एक एक करके भाई, ये देखो सारे के सारे व्यू कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई, 360 लगने का कमाल तो है भाई, देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। साइड में जो गाड़ी चल रही है ना वो आपको सारी चीज़ दिखा रही है कि साइड में क्या चीज़ है क्या नहीं है, गाड़ी कैसे मुड़ रही है किधर जा रही है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई। तो ये कुछ कमाल है आपकी 360 कैमरे का। अब गाड़ी जो है पूरी तैयार हो चुकी है, आप लोगों को मैंने सारा कुछ इंटीरियर और आउटर दिखा दिया, बट कुछ जो आइटम है बाद में लगे थे जो कि भाई आपका ये वाला क्या बोलते हैं भाई इसको, फेंडर गार्निश बोलते हैं भाई, फेंडर गार्निश, ठीक है फेंडर गार्निश बोलते हैं इसको, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और क्या लगा भैया एक्स्ट्रा, क्या लगा जो हमने नहीं दिखाया था अभी तक, जो हमने मोस्टली तो सब दिखा चुके हैं। ठीक है, ये वाला भी लगा है, तो पहले कौन सा कलर का आता था? पहले इसमें नॉर्मल आता है, उसको पियानो हो गया ग्लॉसी हो गया ना। गाड़ी का जो लुक आ रहा भाई पीछे से आपको ऐसे दिखने के लिए मिल जाएगा, गाड़ी अब लग रही है टॉप नोच, क्या कह रहे हो मंजू भाई? बिल्कुल, अब तो भाई अल्फा बना दिया, अल्फा से ऊपर की मॉडल दे दी, अल्फा हो गई। और अब मैं आपको ना इसके गेट भी चेकआउट करा देता हूँ भाई, ये देखो ये है चीज जो आपके गेट में पहले नहीं था लेकिन अब आ गया भाई, ये आपने बनाया है या गत्ता लगाया पूरा क्या करा है?
भाई अब जितने भी सिग्मा वाले भाई है हाँ जी, उनके पास दो ऑप्शन रहता है डोर पैनल के लिए, एक अल्फा वाला हाँ, जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका हूँ मैं वीडियोस में, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब पियानो भी कम्प्लीटली मेरे पास रेडी होता है, ओके। आप कभी भी आओगे चाहो तो चेंज करवा लो, चाहो तो चेंज करा सकते हो ऑन टाइम। आपको लंबा 12 घंटे 13 घंटे की जो मैं प्रोसेस मांगा था वो उसकी जरूरत नहीं है। अब हमने पीस मंगा के ऑटोमेटिक आपके लिए रखा हुआ है, आप लाओ और चेंज करा लो। आपको चाहो तो पूरा डोर पैनल चेंज करा लो, या फिर आप ये वाली एक्सेसरीज जो आती है वो चेंज करा लो, है ना। उसके अलावा आप इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी लगवा सकते हो, और ये अपना पीछे वाला कुछ गेट है ये भी भाई ने परफेक्ट तैयार कर दिया, ये भी ग्लॉसी कर दिया पियानो में, काफी अच्छा लग रहा है। और ये तो अपने कंपनी देती है, कंपनी देती है ना, काफी अच्छी चीज है। बाकी पीछे वाली सीट भी आप देख लो भाई, ये कुछ पीछे वाली सीट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, काफी बढ़िया लग रही है विद जीएफएक्स मैट के साथ एंड वेलकम लाइट आपकी। तो ये हो चुकी है अपनी ग्रैंड विटारा पूरी की पूरी कंप्लीट, सही कह रहा हूं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और दिखाना बाकी गाड़ी में? बस एक ऑडियो सिस्टम रह गया और अंदर की इंटर चेकआउट, इंटीरियर मैंने पहले चेकआउट करा चुका हूँ, क्या क्या लगा, बस एक हम ऑडियो सिस्टम इसका दिखा देते हैं ताकि आवाज पता चल जाए कैसी है इस गाड़ी की। इसकी आवाज एंजॉय करो भाई आप, क्लैरिटी देखो। ज्यादा बढ़िया तेज और बढ़िया साउंड आ रही है ना, मैं कह रहा हूँ आप लोग ईयरफोन लगा लेना, आप लोगों को मजा आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट फीचर इस गाड़ी का बचा हुआ है वो है इसकी की से जो होता है, वो की से क्या होगा, एक तो साइड में आपका चढ़ जाएगा और ऑटो फोल्ड हो गया और पावर विंडो फोल्ड हो गया, और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आता है ये आज तक तो आपको वीडियो देख देख के पता चली गया होगा कि ये सारी चीजें भाई जो देते हैं वो बढ़िया देते हैं। फिलहाल के लिए मैं चेक कर रहा था उसके शीशे, भाई जादू देख लो आप इसका, इग्निशन ऑफ नहीं, लाइट ऑफ नहीं है का, आप जादू दिखाता हूँ आपको। देखो शीशे सारे खुले हुए हैं अपने और साइड मिरर भी खुला हुआ है, तो जैसे हम लॉक करेंगे साइड में फोल्ड हो गए हैं और शीशा एक एक करके चढ़ना शुरू हो गया। देखो ये वाला भी चढ़ना शुरू हो गया, वो वाला भी, तो पूरा बीएमडब्ल्यू वाला फीचर आपकी गाड़ी के अंदर हो चुका है, जो कि सिग्मा ऑलरेडी टॉप ही आती है और इसमें ये सारे एसेसरीज के बाद ये अल्फा बन जाती है, एंड देन इसमें बीएमडब्ल्यू वाले फीचर भी आपको हम लोग दे देते हैं। तो इस गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर हमारे साथ भैया अवेलेबल है, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया भैया। एक बार भैया नाम शेयर कर दो, कहाँ से आए थे? जयपुर से भैया। जयपुर से, जयपुर से कुछ गाड़ी की ज्यादा नहीं आ रही है मेरे पास, बहुत प्यार मिल रहा है जयपुर से, है ना, जयपुर वाले 25 गाड़ी जयपुर से आई है। 11 बजे गाड़ी बिजनौर से उठाई, जयपुर से बिजनौर लेके गया, 8 बजे भैया के पास आ। लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ भैया, भैया तो गिफ्ट भी लाए थे मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए, भैया ने पहले किसी और कस्टमर से काम वहाँ पे जयपुर में लोकल में उन्होंने देखा, अच्छा अच्छा चेकआउट करने के बाद फिर कार रिस्ट आया, उनका नंबर उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट से निकाला, उन्हें फोन करा, ठीक है, उनका काम देख के फिर वापस आया, गाड़ी की नंबर प्लेट से नंबर निकाल लिया भाई, क्या बात है। आरटीओ, अच्छा आरटीओ करा के, कैसा रहा सर? आप लोग भी साथ में आए थे, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, इंटीरियर आउटर सब कैसा लग रहा है? बढ़िया। और भी आपसे पूछूंगा, लग रही है कहीं से सिग्मा अभी है? नहीं भैया, अल्फा होगी ना पूरी, तो अल्फा लेना बढ़िया है या फिर ये करवाना बढ़िया है? ये सही है ना, 5-7 लाख रुपए बच रहे हैं आराम से, मोटे मोटे 5 तो बच रहे हैं, 5 तो बच रहे हैं आराम से, क्या सही बात है। और कंपनी सिग्मा निकाल लिए, कुछ सोच के निकाल रही होगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ कराने के बाद गाड़ी आपकी टॉप नॉच हो जाती है भाई, आपकी तरफ से 100 है ना, कार विश को प्रमोट कर रहे हो बढ़िया भैया, बिना बोले बिना काम कराया कर रहे हैं हम, तो के बाद में और भी लोग आने वाले हैं जयपुर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी भाई इसी तरीके से जयपुर और राजस्थान का जो प्यार है ना वो कार बीच के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई आप लोग आ सकते हो कार बीच पे, अगर जयपुर वाले मेरे भाई देख रहे हैं या कहीं से भी किसी भी कोने से देख रहे हो, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है करोल बाग में कार बीच के, कार बीच पे मंजे भाई के पास। बिल्कुल खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई, फिर मिलते हैं फिर किसी एक नई ग्रैंड विटारा के साथ, टिल देन पीस आउट।